ध्यान बहुत रखा था देखा थोड़े गाँव में जो बाहर से आ रहे हैं उनको हो सकता है। नहीं दीदी नमस्ते, दीदी नमस्ते। नाक तक ऊपर तक कितना दिन रहे कोई मतलब नहीं है ऐसा बात है ना। यहाँ ड्यूटी ना यहाँ यहाँ अजिंदा मेरा हाँ अजिंदा वर्मा का सोने हाँ दे रहा आप लोग रुक जाइए थोड़ी देर रुक जाइए आप लोग का साथ बातचीत कर लीजिए हाँ दे सकते हो प्रशांत को नहीं आना तो अपने उचित दूरी बनाए रखते हैं, मास्क लगाए रखते हैं, सैनिटाइजर भी बार बार करते हैं, अच्छा साबुन से हाथ धोते हैं जी। तो क्या लगता है कि जो ये महामारी आई है तो इससे बचने के लिए यही सब पालन करेंगे तो इससे बचा जा सकता है? क्या करेंगे जिससे बचा जा सकता है? बचने के लिए वही तो उचित दूरी, मास्क और बार बार अपना हाथ वगैरह साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अरे पूरे जनपद में हम लोगों ने एक एक गांव का सर्वे करा लिया है और उसमें संदिग्ध लोगों की पहचान की। संदिग्ध लोगों से मतलब जिसमें सर्दी जुकाम बुखार या सांस फूलने के लक्षण हैं या खांसी है। अभी हमारे 9000 से ऊपर लोग चिन्हित हो गए हैं। अब उसके बाद हमने इनकी टेस्टिंग का अभियान शुरू किया। अच्छा, जो चिन्हित हो रहे थे उनको उसी समय दवाओं की किट प्रोवाइड की जा रही है ताकि रिजल्ट जब भी आए उनको दवा तुरंत मिल जाए। और वो दवा में जो दवाएं हैं इस तरीके से हम किट बना के दे रहे हैं सबको और इसमें सभी जो पॉजिटिव आ रहे हैं जो संदिग्ध हैं उनको सबको दवा दे रहे हैं। इसमें जो दवाएं हैं वो सब संदिग्धों को दी जा रही हैं ताकि उनका इलाज तो तुरंत चालू हो जाए। बुखार है तो बुखार की दवा तो उन्हें मिलने लगे तो दवाएं सबको दे रहे हैं। अब उसके बाद हमने अभियान चलाया हुआ उनकी जांच का। अब उनकी सबके संदिग्ध लोगों की सैंपलिंग हो रही है। इसमें जो पॉजिटिव आएंगे फिर उनके घर में और काम किया जाएगा जैसे हम लोग करते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, सैनिटाइजेशन है और 20 घरों में और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। उसमें और कोई संदिग्ध निकलता है तो उसको भी हम लोग टैकल करते हैं। आई भवानी जगदर म्हणजे 24 तास।